नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी जैन। आज फिर एक और विधानसभा के 7 प्रत्याशियों के हार और जीत के समीकरण के साथ मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की। ये सीट अनारक्षित है। यहां से कांग्रेस ने इंदिरा सिंह गुर्जर पर दाव खेला है और बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पिछले चुनाव में खड़े हो चुके कुलदीप धनखड़ को जनता के बीच उतारा है। बात करें यहाँ के जातिगत समीकरण की तो इस सीट में सर्वाधिक मतदाता सामान्य वर्ग के हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 65,000 से अधिक है। यहाँ गुर्जर मतदाता भी अधिक है, जिनकी संख्या लगभग 29,000 है। एसटीएससी वर्ग के मतदाता की संख्या तकरीबन 42,000 से अधिक है। इस विधानसभा सीट में जाट मतदाता भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 15,000 के आसपास है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ कुल मिलाकर 2,09,309 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्रनाथ सिंह गुर्जर को 59,427 वोट देकर जिताया था। उधर निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप धनखड़ को 40,060 वोट हासिल हो सके थे और 19,367 वोटों से वो हार गए थे। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रनाथ सिंह गुर्जर की, तो ये पिछले चुनाव में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखा चुके हैं और साथ में अपने शुरुआत के 2 साल के कार्यकाल में जनता के लिए वादे भी पूरे कर चुके हैं। ये पायलट के खेमे में आते हैं और सचिन पायलट को सपोर्ट नहीं करने वाले गुर्जर समाज के विधायकों को सबक सिखाने की धमकी भी भरी सभा में दे चुके हैं। अपने बयानों से ये खलबली मचा चुके हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ की, तो ये पिछले 25 साल से भाजपा के साथ है, पर पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था और नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में हार के बाद इनकी जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी थी। कुलदीप धनखड़ भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। तो आज बात की विराटनगर सीट के चुनावी समीकरण की। अगली बार एक और विधानसभा सीट पर चुनावी समीकरण की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।